विपाती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विपाती क्रिएशन। फ्रेंड्स, जब मॉनसून आता है, बारिश का मौसम आता है, तो सभी की प्रॉब्लम ये होती है, फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि हेयर फॉल। मॉनसून के सीजन में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके नहीं होते उनके भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही एक ऐसी पावरफुल रेमेडी लेके आई हूँ, ऐसी इफेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ, जिससे आपके बाल फर्स्ट यूज में जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा और साथ ही आपकी आपकी हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत ही डबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इसकी वजह से मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉनसून का सीज़न जो है आ गया है, बारिश का मौसम आ गया है, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। क्यों झड़ने लगते हैं? क्योंकि मॉनसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा चिपचिप सी भी आपको फील होगा कि चिपचिप सा भी होता है, आपके बाल में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी रहने लग जाते हैं, वेट रहने लग जाते हैं, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। जिसके नहीं हुए कभी हेयर फॉल, उसका भी मॉनसून में हेयर फॉल ज़रूर होता है। तो फ्रेंड, उससे बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, आपके बाल का जो हेयर फॉल है वो फर्स्ट यूज़ में कंट्रोल करने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ। एक इतनी पावरफुल रेमेडी है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो चीज़ मैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ वो सारी आपके आसपास ही रहती है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, पार्क में या प्लांट्स जो होंगे आपके गार्डन्स में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिससे आपके बाल हेयर फॉल जो है, हेयर फॉल तो कंट्रोल हो गई, साथ ही आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी डबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी, फ्यू वीक्स के बाद आप देखेंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ है वो भी कई ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अगर आपके डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी रिमूव हो जाएगी। अगर आपके ग्रेश हेयर की प्रॉब्लम है, बाल अगर वाइट हो रहे हैं, ग्रेश हो रहे हैं, वो भी आपका धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ आपने वीक में 2 टाइम यूज़ करना है, नहीं तो आप 1 टाइम भी यूज़ करेंगे, 1 बार भी यूज़ करेंगे वो भी सफिशेंट होगा आपके बालों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये जो रेमेडी है वो कौन सी है, इसे कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, हमें पावरफुल रेमेडी बनाने के लिए चाहिए हिबिस्कस के लीफ, हिबिस्कस के पत्ते हैं, और कुछ हमें गुआवा लीव चाहिए, अमरूद के पत्ते, और कुछ हमें करी लीव चाहिए। इन सबको अच्छे से वॉश करके मैंने रखा हुआ है, सबको हम ले लेंगे किसी भी बोल में, पतीले में। हिबिस्कस लीव इतना बेनिफिशियल होता है कि आपके जो बाल पैचेस होते हैं वहाँ पे भी रीग्रोथ हो सकता है, आपके बाल, नए बाल आ सकते हैं, आपके हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाता है और आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और जो अमरूद के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते में बहुत सारा विटामिन सी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो आपके अगर कोई भी स्कैल्प फंगस हो उसको भी रिमूव करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, स्पेशली सीजन मॉनसून सीजन में, और आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और जो करी लीव्स है, करी लीव्स भी आपका एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस होते हैं, यह आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो इसमें हम 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे और इसे इतना ऐड करेंगे, इतना कि ये जितने भी पत्ते हैं सारे डूब जाएं इसमें, और इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 10 टू 15 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए सारा कलर आ गया है, जितने भी गुडनेस है सारे लीव्स के, वो सारे पानी के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। और जो अमरूद के पत्तों से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है, क्योंकि अमरूद के पत्ते का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, बाकी जो कलर है, बाकी पत्तों के कलर अभी चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो रेमेडी है बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसे फ़िल्टर कर लेंगे, छान लेंगे, और देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल छान के अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे ही लगा सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही लगाऊंगी, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एसेंशियल ऑयल, विटामिन कैप्सूल कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। तो चलिए मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ।
में एंड अपने पूरे हेयर लेंथ पे लगा लिया है। आप देख सकते हैं जितने भी था, जो जितना वाटर था सब में मैंने पूरे डिप कर करके अच्छे से पूरे स्कैल्प को गीला कर लिया है। और इसे मैं 1 घंटे तक रहने दूंगी और 1 घंटे के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कोई कंडीशनर या कुछ भी सीरम या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आपके बाल सिल्की सॉफ्ट होंगे। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है कि इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप विटामिन ई कैप्सूल या एसेंशियल ऑयल अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं इससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं मुझे इससे, क्योंकि इसमें जो हिबिस्कस लिया है हमने, करी लीव्स लिए हैं, उससे आपके बाल अगर ग्रेश हैं वो भी ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। और देख सकते हैं आप शाइन जो है इतना अच्छा सा है, आपको सिल्क की शाइन प्रोवाइड करता है, आपके बाल जो है आपके सिल्क की शाइनी जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टैंगल नहीं होंगे आपके बाल, ईजिली डिटैंगल हो जाएंगे अगर आप इससे यूज़ करने के बाद, वॉश करने के बाद ड्राई करें उसके बाद अगर डिटेंगल करना चाहें ईजिली डिटेंगल हो जाएगी आपके बाल, क्योंकि हेयर को जो फ्रिजी हेयर है उसको भी सॉफ्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और कॉमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दें, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आया, तो मैं वो भी आपको बता सकती हूँ, रिप्लाई कर सकती हूँ कमेंट बॉक्स में। इसलिए मैं कहती हूँ कि बार बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दें, रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स मुझे आप अपने रिज़ल्ट जो है इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं मुझसे, आप कुछ पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बहुत सारे लोग के मेरे पास मैसेज आते हैं, उनको मैं रिप्लाई करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मैं किसी और वीडियो मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन।